नमस्ते, देसी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हमने आलू का पराठा बनाया है, देखिए कितना अच्छा बना है, टेस्टी भी बहुत है। अगर आपको इसी तरह से बनाना है तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए हम चार आलू लिए हैं उबले हुए, उसे कद्दूकस कर लेंगे, अजवाइन डाल देंगे तो, और दो हरी मिर्च और नमक स्वादानुसार, फिर सबको गूंथ लेंगे और पराठा बनाने के लिए तैयार। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें कुकिंग से रिलेटेड न्यू वीडियो देखने के लिए। अब हम लोइया काट लेंगे और पराठा बनाने के लिए लोइया लेंगे, इसे गहरा करेंगे ताकि कायदे से इसमें आलू का जो बेगर है भर लेंगे। इस तरह से गोल बना के हमने पहले से रख लिया है और इसे अंदर भर के चारों तरफ से दबा के रखेंगे। अब इसे बेल लेंगे, हल्के हाथ बेलेंगे, नहीं तो ज़्यादा दबा के बेलेंगे तो फटने का डर रहेगा, इसलिए हल्के हाथ धीरे धीरे चारों तरफ से पतला कर लेंगे। अब हम इसको तवा पे डालेंगे, तभी हम इसको पलटेंगे जब थोड़ा एक तरफ से लाल हो जाएगा, तब हम इसको पलट लेंगे। अब हम इसको पलट लेंगे, जब तक इधर सिक रहा है दूसरी तरफ हम घी लगा लेंगे, पलट पलट के दोनों तरफ घी लगा लेंगे और उसको सेकने देंगे। जब तक उधर वो सिक रहा है तब तक दूसरा लोइया भी हम पराठा की तैयारी कर लेंगे। अब ये पराठा तैयार हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे, इसी तरीके से दूसरा पराठा भी बना लेंगे। आलू का पराठा बनके तैयार हो गया है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।